27 मई 2020। दोस्तों, मई का महीना अंतरिक्ष लवर्स के लिए बेहद रोमांचक साबित होने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारी खगोलीय घटनाएं आसमान में दिख चुकी हैं और बहुत सारी खगोलीय घटनाएं अभी भी आसमान में दिखना बाकी हैं, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद धरती पर खड़े होकर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ऐसी खगोलीय घटनाएं हमारे जीवन काल के दौरान बहुत कम समय के लिए ही हमारे जीवन में आती हैं, इसलिए दोस्तों हम स्पेस लवर्स को ऐसी खगोलीय घटनाएं कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाली 27 मई को एक ऐसी ही अद्भुत खगोलीय घटना आसमान में दिखने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूले। साथ ही वीडियो के नीचे एक प्यारी सी और अच्छी सी कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप कहां से हो। तो चलिए 27 मई को घटने वाली खगोलीय घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 27 मई की रात आसमान में घटेगी एक अद्भुत खगोलीय घटना, जिसके दौरान आसमान में दिखने वाला है एक सुंदर कॉमेट। आपको बता दूं कि कॉमेट और एस्ट्रॉइड में बेहद अंतर होता है। एस्ट्रॉइड कॉमेट से बड़ा होता है, जबकि कॉमेट एस्ट्रॉइड से छोटा होता है। और अगर कॉमेट हमारी धरती से टकरा जाए तो कॉमेट की वजह से हमारी धरती पर कोई भी नुकसान नहीं होता। 27 मई को दिखने वाले कॉमेट का नाम श्वान है। आपको बता दूं कि यह कॉमेट 12 मई को ही हमारे धरती के नजदीक आ गया था, जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। परंतु 27 मई के दिन हम इस कॉमेट को आसमान में नंगी आंखों से देख पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह कॉमेट नॉन पीरियड कॉमेट की श्रेणी में शामिल है, क्योंकि इस कॉमेट के दिखने का कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। यह कॉमेट हमें कभी भी आसमान में दिख सकता है। पिछली बार यह कॉमेट 2009 में आसमान में दिखाई दिया था और 27 मई की रात एक बार फिर दोबारा यह आसमान में दिखने वाला है। आपको बता दूं कि इस कॉमेट की खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि कोरिया के एक आम इंसान ने की थी, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एक दिन कोरिया के ये व्यक्ति आसमान की तस्वीरें खींच रहे थे, तभी इनके कैमरे में इस कॉमेट की तस्वीर भी कैप्चर हो गई। उसके बाद इनके द्वारा खींची गई तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी और उसके बाद नासा को इस कॉमेट का पता लगा और नासा ने इस कॉमेट का नाम स्वान रख दिया। तो दोस्तों, 27 मई की रात कौन कौन इस कॉमेट को देखना चाहेगा, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।